आंकड़ों का जब बनाया गया है, ऐसे में महज कुछ रुपयों के माध्यम से छावनी की व्यवस्था करा पाना या नहीं करा पाना, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों ये तो चलिए जैसा भी है, लेकिन हम इस परिसर में जब हम भ्रमण करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ की खूबियों के विषय में बताया, अब आइए थोड़ा सा हम उस चीज के विषय में भी जान लें जो कि कतई नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कैमरा पर्सन कहीं थोड़ा सा फास्ट आए और हम आपको एक अद्भुत नजारा और दिखाते हैं। इस पार्क में भ्रमण के दौरान, खेलने कूदने के दौरान, जब छोटे छोटे बच्चों को पानी प्यास लगती है, साहब छोटे बच्चों की मैं जो बात कर रहा था, देखिए कैसे यहाँ पानी की तलाश में आते हैं और ये गहरा सा कुंड है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ क्यों क्यों, नाम क्या है आपका बेटा? क्या नाम है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर पानी पीने आए हो आप? यार उधर आपको और कहीं व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर गहरा सा कुंड है, क्यों यहाँ पर पी रहे हो? तो डर नहीं लगता है यहाँ पर? गहरा सा कुंड, गिर जाओगे तो यहाँ पे? हाँ तो लेकिन फिर तो बेटा यहाँ जल जीवन ठीक है, लेकिन यहाँ पर गहरा है, ये गिर उड़ जाओगे तो? क्या बोल रहे हो? इसीके लिए यहाँ पर आए हो? ये देखिए मैं आपको बताया, छोटे छोटे बच्चे पानी की तलाश में, भला देखिए वो पानी पीने के लिए वो जो है बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है और गहरा सकुन। भला आप जो है समझदार है, आपको ज्यादा संज्ञान में लाने की बात नहीं है, क्योंकि आप यदि समझदार नहीं होते साहब तो इतनी प्यारी सी व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल नहीं करते, और ऐसे में 100 में 99.9 जब आपकी समझदारी है तो थोड़ी सी कमी की भरपाई यदि आप कर दें तो शायद 100 में 100% जो है बेहतर सा परिसर अपने आप में। कहा जाएगा कि वाकई में स्वामी विवेकानंद परिसर, हमारे शहडोल का ये जो पार्क है, वाकई में जो है जिला नहीं बल्कि संभाग में इकलौता पार्क है। तो पानी की व्यवस्था भी नगरी प्रशासन, थोड़ा सा फास्ट है कैमरा पर्सन को कहेंगे और नजदीक आ पाए। हम पानी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, सिंटेक्स की व्यवस्था तो कराई गई है, साथ में नलों की टोटियों की भी व्यवस्थाएं करें। आप नजदीक आए, थोड़ा घूम करके आप दिखाएं, थोड़ा सा फास्ट आएंगे और फास्ट, और यहाँ पर आए आप घूम करके दिखाएं, कैमरा आप पास मिला करके यहाँ पर दिखाएं, और ये देखिए दोस्तों ये नलों की जो टोटियां यहां लगी हुई है साहब, किसी भी प्रकार से यहां पानी की व्यवस्था जो है नहीं की कराई गई है। और देखिए यहां पे कितने यहां कचरे, यहां सूखे सूखे पत्ती की बात करें और ये भी टोटी की बात करें, इसमें भी किसी प्रकार से कोई पानी नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है और सबसे गंभीर मसला है कि जब ये टोटियों में किसी प्रकार से पानी की व्यवस्था नहीं, साथ में यहां कचरे बजा रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये टोटियां लगाई गई हैं, जब से टंकी की व्यवस्था कराई गई है, तब से यहां पर किसी प्रकार से पानी की व्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं कराई गई है। और ऐसे में जब पानी प्यास लगती है बच्चों को, तो वो किस परिसर में पानी की तलाश में जाते हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। हालांकि इस परिसर में किसी किसी जगह पानी की व्यवस्था और भी है, लेकिन कुछ बच्चों को स्पष्ट तौर पे हम जो है उस परिसर में जाते देखिए, जहां पर जाने के बाद एक भयानक और डर का माहौल पैदा होता है। आइए कैमरा पर्सन कहें कि आप आए और उस परिसर को भी दिखाएं। उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें टोटी की बात कर रहा था, सिंटेक्स की बात कर रहा था, और जहां पे पंप की या तो स्विच की व्यवस्था कराई गई होगी। दोस्तों ये छोटा सा ये कमरा सा प्रतीत पड़ रहा है और यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है और यहीं पर ऐसी व्यवस्था शायद बिजली की या तो स्विच की व्यवस्था है, जहां से जो है पानी ऑन ऑफ किया जाता होगा। अमूमन ये ताला बंद है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि अभी यहाँ पे विद्युत की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चालू है या बंद है, ये तो जिम्मेदार जाने। लेकिन मैं जिस परिसर की बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो है पानी की तलाश में जब जाते हैं तो वो एक भयानक और डर का माहौल पैदा करता है, वो परिसर कौन सा है अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ये टोटी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और मैं अपने इस वीडियो में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ कैसे आकर के पानी पीते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पानी की व्यवस्था तो है साहब। ये देखें आप नजदीक आए, कैमरा पर्सन कहेंगे और थोड़ा दिखाएं, ये पानी भी यहाँ से बह रहा है, उत्तम व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर पीने की। लेकिन यदि मैं भयानक नजारा, मंजर और खतरे की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो आखिरकार क्यों कर रहा हूँ, वो भी आप थोड़ा सा देख लें दोस्तों, और वो भी आप थोड़ा गौर से विशेष रूप से जिम्मेदार हो आप भी देख लें। ये देखिए ये खतरनाक नजारा मैं अगर यदि दिखा रहा हूँ और कह रहा हूँ, उसका कारण क्या है? ये देखिए आप प्राचीन काल का एक बड़ा सा कुंड यहाँ पर जो है बना हुआ है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ,
कि जस्ट बगल में परिसर में विराट मंदिर जहां स्थित है प्राचीन काल का कल्चुरी शासन काल का, और वहां पे आपको ध्यान होगा कि वहां पर भी जो है ऐसा हमारे अध्यात्म में सनातन पुरातन ऐसे पुराणों में वेदों में ऐसी बातें आती है कि अर्जुन के द्वारा जब वहां पे तीर चलाया गया था, बाण मारा गया था, तो वहां पर जो है पानी जो है निकला हुआ था, और वो जो है वो कुंड जो है एक बाण गंगा कुंड के नाम से जो है विख्यात है। और निश्चित ही वहां पर विगत कुछ सालों पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी कि एक छोटा सा बालक जो है उस जो है कुंड में समा गया था और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से जो है संबंधित विभाग और प्रशासन ने उस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो है उस कुंड को जो है घेराबंदी की व्यवस्था कराई थी और अपने आप में सराहनीय पहल है। लेकिन मैं जिला प्रशासन और संबंधित विभाग नगरी प्रशासन या यूं कहूं कि नगर पालिका के जिम्मेदारों के संज्ञान में यह भी बात लाना चाहता हूं कि यहां पर जो है एक बड़ा सा प्राचीन काल का यहां पर भी एक बड़ा सा कुंड है। कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा आप और नजदीक आए और आप जो है थोड़ा सा नजदीक से इस कुंड को आप जो है जूम करके दिखाएं। दोस्तों ये देखिए कितना गहरा सा ये कुंड होगा, क्योंकि यहां परिसर में कुछ ऐसे जिम्मेदार और कुछ ऐसे जो है लोग यहां पर परिसर में जब भ्रमण कर रहे थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि लगभग ये कुंड की गहराई को हम अमूनन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम जो है 50 60 70 80 फीट लगभग गहराई उसकी हो सकती है। ऐसे में आप बताएं कि छोटे बच्चे जब पानी की तलाश में उस जगह पे आते हैं और यदि किसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों का समूह या काफी संख्या में लोग आते हैं या फिर एक या दो ही बच्चा आता है और ऐसे में किसी प्रकार से कोई बच्चे के साथ यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी साहब किसकी बनती है। हम इसलिए आपके संज्ञान में ये बात ला रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना जो है किसी भी शहरवासियों के साथ न घट सके। और मैं जो है अपेक्षा करता हूं कि आपको संज्ञान में ये मैं बात ला रहा हूं, निश्चित ही आप इस ओर ध्यान देंगे। और देखिए साहब एक छोटी सी बात मैं और करता हूं कि अमूनन अभी तक मैं जहां जहां भारत स्वच्छता अभियान के तहत जिस परिसर में गया और जिस परिसर में जाता हूं वहां मुझे कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन हम शराब की बोतलों की बात करें तो गजब की शराब की बोतलें जो है परिसर में दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए उसका भी आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको जो है जिसे जो है देसी भाषा में जो है पौआ कहते हैं, ये देखिए आप भी निश्चित तौर पर जानते होंगे ये पौआ है, खाली पौआ है ये देखिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, नए नए जो है टेक्निक के माध्यम से नए नए विकास होते हैं, उस तरीके से नए नए संसाधनों की व्यवस्था कराई जाती है। अब देखिए ये जो है डस्टबिन कहें या कचरा पेटी कहें, दोस्तों ये लोहे का कचरा पेटी है। अब अलग अलग तरीके से कचरे की पेटी आने लगी है, इसकी वजह से जो है ये पुराने जो कचरे की पेटी को किनारे कर दिया गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस कचरे पेटी में हम नजर डालें, ये देखें आप इस कचरे पेटी की हम बात करें, इसमें भी जो है शराब की खाली खाली बोतलें पड़ी हैं, डिस्पोजल ग्लास पड़े हैं और चखना की व्यवस्था निश्चित तौर पर बनी होगी, इसी की वजह से उसमें जो है खाने पीने की जो है रैपर भी पड़े हुए हैं। और साथ में एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, जब जो है ऐसे ऐसे कचरा पेटी की हम बात करें जो कि लोहे का है, इसमें जंग लग रहा है, पूरी तरीके से सड़ रहा, टूट रहा है, जब किसी प्रकार से ये अनुपयोगी हो चुका है तो साहब इसे जो है नगरी प्रशासन का कोई ऐसा तो कम से कम जो है एक कोना ऐसा होगा जहां पे वस्तुओं का भंडारण होता होगा, या फिर इसे वहां ले जाए या फिर जो है कबाड़ वाले को कम से कम बेच दे, दो चार पैसे उसे मिल तो सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर ये पड़े हुए हैं तो आखिरकार किसका भला क्या काम हो रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही तो हो रहा है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शराब की बोतलों की हमने बात की थी तो शराब की बोतलें आपको हम जो है और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये शराब की बोतलें यहां पर भी पड़ी हैं, एक दो तीन चार पांच छह और कुछ बोतलें साहब इतने बड़े परिसर में अब हर जगह में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन शराब की बोतलों को दिखाने से यदि आपके संज्ञान में ये बात आती है कि वाकई में ये शराब की बोतलें इस परिसर में आखिरकार आई तो आई कहते, क्योंकि इस परिसर में चारों तरफ से जब बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की गई है और ऐसे में जब यहां पर 5 बजे शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पार्क खुलने का टाइम रहता है, महज 2.5 घंटे का ये टाइमिंग रहता है, तो वो 2.5 घंटे के टाइमिंग में यहाँ केयर टेकरों की भी व्यवस्था कराई जाती है, तो ऐसे में जब केयर टेकर पूरे क्षेत्रों का जब भ्रमण करते हैं तो इस कोने में बैठकर आखिर कौन ऐसा बेवड़ा है जिसके द्वारा जो है यहाँ शराब पिया जाता है। हम भारत स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और भारत स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाने में
शहर वासियों की या ऐसे बिगड़े व्यक्तियों की ऐसी अगर सोच होगी, उनका हाथ होगा, तो आखिरकार हम भारत स्वतंत्रता अभियान के उस स्लोगन को किस ओर ले जा रहे हैं, या तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं। और निश्चित ही शराब की बोतलों के साथ ही साथ यदि मैं इस कुंड की बात कर रहा था, तो साहब इस कुंड की व्यवस्था सुदृढ़ कराइए, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार से यहाँ कोई अनहोनी यदि होती है, उस वक्त जो है हाथ में माथा रख के यदि प्रशासन यदि दुख शोक व्यक्त अगर करता है, जताता है, या फिर जो है शहरवासी अगर कोई करते हैं, तो हासिल कुछ भी नहीं होना है। और मैं जो बात किया कि पानी की व्यवस्था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साहब निश्चित ही आप समझदार हैं, और पानी की व्यवस्था आपने जो है उस ओर जब करा रखा है, तो आखिरकार उधर पानी की व्यवस्था जो है उत्तम क्यों नहीं है, सुदृढ़ क्यों नहीं है, सुचारू क्यों नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए मुझे देख करके यहाँ पर पहुंचे, इन्हीं बच्चों को देख करके मैं जो है ये सारी चीजों को जो है आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। क्यों बेटा, पानी पीने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हो, डर नहीं लगता है यहाँ पर आने से? डर लगता है तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या नाम है आपका? अजीम खान। ये यहाँ पर कुंड है बड़ा सा, पानी की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था तो वहाँ भी है ना, वहाँ पे पानी नहीं चलता है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता। क्या करते हैं? मैं काम करता हूं। अच्छा, पानी की व्यवस्था नगर पालिका ने वहाँ जैसे कराया है जी, जी। पानी लेकिन वहाँ निकलता नहीं है, आता नहीं जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पानी की व्यवस्था होना चाहिए, पार्क में जो पब्लिक आती है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था में कैसे काम करेंगे, स्कूल में जाएंगे कि कंप्लेन नहीं हो सकती है, देखिए देखिए ये पार्क में घूमने आने वाले वो लोग हैं जिन्हें ये जानकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार से संज्ञान में बात लाने के बावजूद भी यदि संबंधित विभाग जब नहीं जाता, तो ऐसे में भला परिसर में घूम रहे लोग भी भला क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपने मुंह पर जो है चुप्पी बांध करके जो है सिर्फ पार्क पे घूम करके अपने घर को जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें ये हक है, जिन्हें ये अधिकार है, जिनके पास एक पावर है, तो भला ऐसे जिम्मेदार यदि चुप्पी बांध करके शांत बैठ जाएं, या फिर महाभारत में गांधारी की तरह अपने आंखों में पट्टी बांध करके अनजान बन जाए, तो भला ऐसे में क्या हो सकता है, आप बेहतर तरीके से समझ ही सकते हैं। देखिए परिसर में तमाम ऐसे लोग जो है यहाँ पर आते हैं मनोरंजन करने के लिए, और घूमते हैं यहाँ जो है, यहाँ खेलते कूदते हैं, कितने सारे लोग और ही दिखाई पड़े। हालांकि हम पार्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ सौंदरता की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो श्याम मानिकपुरी सैल्यूट भी करता है जिम्मेदारों आपको, लेकिन आपके द्वारा तमाम प्रकार की जब ऐसी और भी व्यवस्थाएं बनाई गई है, तो उनको भला आप हीला हवाली करके उस ओर से आप नजरअंदाज क्यों करते हैं? यह इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ भला आपके अलावा किसके पास होगा? चलिए बहरहाल हमें अपेक्षा है, आस है, विश्वास है कि निश्चित ही पूर्व की तरह हमारे ऐसे ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए आप उनका निराकरण जरूर करेंगे, और निश्चित ही जो है ऐसे ऐसे संवेदनशील और भी शहर में जो परिसर होंगे, या इससे रिलेटेड हो या इसके विपरीत हो, जहां पर नकारात्मक शैली को बढ़ावा मिलता हो, उस पर आप रोकथाम लगाने की कोशिश जरूर जरूर और जरूर करेंगे। बहरहाल APR न्यूज से श्याम मानिकपुरी फिर से पहले की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेगा, जय हिंद जय भारत।